वाह जी वाह। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी हाँ जी। सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे बीच में आ गए हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने आज यहाँ दर्शन देना स्वीकार किया अपना बहुमूल्य समय। सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। अरे 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 मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। वाह जी वाह। आपने अपना समय हम सभी के निकाला। नहीं मैं मुझे एक जगह और जाना था तो मैंने कहा बीच में मैं आऊंगा जरूर, तो मैं आप सबके प्रति सब कवियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और इस धृष्टता के लिए कि जो इस बीच में मुझे आयर बीच में जाना है तो उसके लिए भी माफी चाहता हूं। मैं आप सबके प्रति इस वातावरण में बस इतना ही कहना चाहता हूं, सोशल डिस्टेंस खत्म कीजिए, फिजिकल डिस्टेंस बनाइए। सोशल डिस्टेंस तो होता ही नहीं शब्द, सोशल तो डिस्टेंस इस जमाने में हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ाव चाहिए। बिल्कुल फिजिकल डिस्टेंस की जरूरत है ना कि सोशल डिस्टेंस की जरूरत है। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने अच्छा किया जो बता दिया, आपने बहुत अच्छा किया जो सर आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। वरना हमारे हमारे तायल साहब तो बहुत दिनों से डिस्टेंसिंग घर पे भी कर रहे थे जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग ही फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं। इतना सोशल डिस्टेंस हो गया कि बाप की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, बेटा तक ले जाने को तैयार नहीं। तो इसके दर्दनाक पहलू भी हमने देखे हैं इस बीमारी के, तो बिल्कुल उसमें भी हम कहीं हंस रहे हैं और सोचने पर विवश भी हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कुछ एक दो पंक्ति अपनी सुना देता हूं और मैं सुरेंद्र जी आपसे क्षमा चाहता हूं, पहले मैं थोड़ा सा आपके विषय में बता दूं, दो मिनट की मुझे समय दीजिए। हमारे बीच सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हास्य कवि हैं और मारवाड़ी भाषा के माध्यम से जो उन्होंने कविता पाठ शुरू किया वो लोगों के दिलों में ऐसा उतरा कि वो जो चार पंक्तियां वो सुनाते थे या सुनाते रहे हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के हृदय तक गुदगुदा आ गई और उनकी अंतरतम तक छू गई। और आज सुरेंद्र शर्मा जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पद्मश्री जो देश का सिविलियन एक अवार्ड है, चौथे स्तर का सबसे बड़ा, वो आपको उस खिताब से नवाजा गया है, पद्मश्री खिताब से आपको दिया गया है। और वो कोई वैसे ही नहीं दिया गया, उसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, देश में देशवासियों को एक डायरेक्शन दी है, जीवन जीने की प्रेरणा दी है, अभी प्रेरणा दी है। आप एक चिंतक, एक मार्गदर्शक की भूमिका भी कवि सम्मेलनों में निभाते देखे गए हैं और जहां कहीं भी जो मानव मन की अंतर दशा है और जो व्यथा है पहुंचाया है, लोगों ने उसको समझा है, सराहा है और उससे बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए शायद आपका इतना ज्यादा सम्मान है कि हर काव्य मंच पर, हर कवि सम्मेलन में सुरेंद्र शर्मा जी का नाम कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी है, सफलता का पर्याय है। और ऐसे हमारे काव्य जगत के शिरमोर श्री सुरेंद्र शर्मा जी का मैं हृदय से इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आशीर्वाद हम सब सुधी श्रोताओं के लिए अपेक्षित करता हूं और वो अपने आशीर्वाद स्वरूप जो भी कुछ पंक्तियां जो आए हैं वो समय निकाल कर मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, अपनी कविता भी सुनाएं, हमें कुछ संदेश भी दें, पूरे देशवासियों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको एक संदेश दें अपनी बात कहके। आइए श्री सुरेंद्र शर्मा जी, और आप सबसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर ही उनका अभिनंदन करें। आइए श्री सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ जी, मैं आपने चार लाइन की कही तो मैं दो तीन चार लाइन सुना देता हूँ आपको जी। इन चार लाइनों में मैंने घर घराड़ी की खूबसूरती के गुण गाए लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैं कहा पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है जी।
घरवाली बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। और इन चार लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, ओहो इसमें हो की बात नहीं है। ये कोई घरवाली से ज्यादा खूंखार नहीं होता। अच्छा, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूं, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घराली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। घराली है जी, घराली कह रही है जी, थारो दोस्त रमेश अपनी घराली से कितनो प्यार करे है, थे भी अहिया कर सको के, मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराली तैयार हो जावेगी। बहुत बढ़िया। और इन चार लाइनों में मैं इतने कहना चाहता हूं आप सबसे कि आज जो स्थितियां हैं उसमें हमें जूझने की जरूरत है, टूटने की जरूरत नहीं। दिक्कत ये है, इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना डर फैला दिया है कि बीमारी तो 5 लाख लोगों के अंदर है और डर 135 करोड़ लोगों के अंदर पैदा हो। सही बात है, सही बात। इसमें से डर निकाल दो तो बीमारी खत्म हो जाए। कल से टीवी, दूरदर्शन सारे चैनल देखना बंद कर दो तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाए। पॉपुलर जी नमस्कार आपको। नमस्कार। और इन चार पंक्तियों में आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर हाइट? योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आपकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर पॉपुलर मेरेटी साहब, आपके आपके स्क्रीन से आवाज आ रही है पीछे से। कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस ही आ रही थी जी। इसके कहां कोई पति पुकार होगा, चाय वाय और क्या जी। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही पीछे से आ रही है। वो पंखा चलने की भी नहीं है, या तो कोई दो पंखा नहीं है तो कोई दो सिस्टम तो ऑन नहीं है सर, आपस में क्लैश कर रहे हो। और कोई आवाज तो नहीं है। कहीं गैस बन तो नहीं छोड़ रहा, कहीं गैस बन नहीं है। नहीं, उसके ये कुकर की गैस है, आने भी की नहीं है, कुकर की है। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने, यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की। वाह, क्या बात है। कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हम लड़कर जीतने की क्या जरूरत है। क्या टिप्पणी है, बहुत बढ़िया। तब कहना चाहता हूँ, इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बिचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बिचारी द्रौपदी है, कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार जुए में लगा दी जाएगी। वाह वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बिचारी लाश है, हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफनाई जाएगी। और इन चार पंक्तियों में
मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बताया आपकी गहराई है, आपकी वही आपकी हाइट है। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो की होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है। अच्छा। और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप संपन्न लोग हैं साहब, और आप संपन्न लोग हैं, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। आज ये वक्त है जो मजदूर हमें खाना फेंकने की इजाजत है, और वो बेचारे खाना देख भी नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें उनका भी सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा फर्ज ये बनता है कि हमारी मानवता जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, तो सब कुछ जिंदा रहेगा, मुल्क बच जाएगा। क्योंकि अकड़ना नहीं चाहिए किसी को, और इस पर चार पंक्ति देना चाहता हूं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है, कहां नदी और कहां कुआ। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है, फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो तो मीठे से खाली हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। और जिस हिसाब से राजनीति ने व्यक्ति को तोड़ने की शुरुआत की, हमें चाहिए आदमी को आदमी से जोड़े। आदमी को तोड़कर राजनीति करने के लिए कनिंगनेस की आवश्यकता है, और जोड़कर राजनीति करने के लिए आपको ईमानदारी की आवश्यकता है। आप कितने सक्षम इस बात का पता चलता है। तब कहना चाहता हूं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता क्या हम न रहे। बहुत बढ़िया। आपको एक ही संदेश देने वाला हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहे। खुद में निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर, आप खुद में निर्णय लेने की क्षमता पैदा करेंगे तो एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, वरना किसी की राहों पर चलेंगे वो कोई आपकी राहों पर नहीं चलेगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाने से माफी चाहता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, हेलो, हाँ, नमस्कार, हाँ नमस्कार सर, एक दो क्वेश्चंस हैं तायल सर के दिमाग में। ना पूछिए पूछिए, हाँ पूछिए पूछिए, आपसे दो तीन क्वेश्चनों के आंसर, तायल सर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है, आप नहीं कह रहा था जी, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी आप जितनी भी जो कविताएं लिखते हैं, जो चार पंक्तियां लिखते हैं, वो धर्मपत्री पर लिखते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि सारी कमाई वही खाती है। बहुत बढ़िया। आपको आपको अपनी धर्मपत्री से डर लगता है? हैं?
धर्म मैं कह देता हूँ, बाकी लोग कह नहीं पाते। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हाँ जी, मेरे मन में भी आपके लिए तो ये बताइए, आज ही बहुत से लेडीज हैं जो चाहे वो आपको प्रपोज करने के लिए तैयार बैठी है, उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए मुझे क्या करना है? मैं सबकी सबको हाँ भर करके धोखा दे दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सर सर अरे खराब है सर, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर।